लोगों की मांग थी कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के इन चार साहबजादों की स्मृति को बाल वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 26 दिसंबर की तिथि वीर बाल दिवस के रूप में पूरे देश के अंदर आयोजित करने का जो निर्णय लिया, हम सब इसका अभिनंदन करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार भी व्यक्त करते हैं। यह हमारे युवाओं के लिए एक नई प्रेरणा है। देश और धर्म के लिए जो भी योगदान देगा, समाज उसके प्रति इसी रूप में नतमस्तक होगा जैसा हम लोग वीर बाल दिवस के रूप में गुरु गोविंद सिंह जी के चार चार उन साहबजादों के बलिदान दिवस के रूप में हम उनका स्मरण करते हैं और उनको नमन करते हैं। ऐसे ही अन्य अनेक उदाहरण है जो हम सबके लिए एक नई प्रेरणा होती है। आज का दिवस भी हम सबके लिए एक नया प्रेरणा है। आप सब जानते हैं कि देश के विभाजन की कीमत क्या होती है। गुरु नानक देव जी के पावन स्थल करतारपुर साहिब, वहां पर जाने के लिए कितना हमें पापड़ बेलने पड़ते और कितनी तकलीफें होती थी, लेकिन उसे एक कॉरिडोर के रूप में विकसित करने का कार्य भी मोदी जी के आने के बाद हो पाया और आज उसको भी एक नया स्वरूप देकर के लोगों को अपने अतीत के साथ जोड़ने और गुरु परंपरा के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करने का एक कार्य प्रारंभ हुआ है। यह देश आगे बढ़ेगा। हमारा यह देश सिख गुरुओं के प्रति, उनके योगदान के प्रति, उनकी प्रेरणा से जो देश के अंदर धर्म के लिए बलिदान हुए हैं, उसके प्रति सदैव कृतज्ञता भाव से ऋणी रहेगा और उनके प्रति सदैव इस बात के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करेगा। इस कालखंड में सिख गुरुओं का जो योगदान था, वह आज भी हम सबको एक नई ऊर्जा का संचार करता है। आज जब हम खालसा पंथ की स्थापना दिवस को, बैसाखी पर्व को स्वरूप में यहां पर इस पवित्र गुरुद्वारा में आयोजित कर रहे हैं, लखनऊ तो वैसे भी सिख गुरुओं की तमाम स्मृतियों से जुड़ा हुआ स्थल है। यहां पे गुरु तेग बहादुर जी महाराज आए थे, लखनऊ में ही उन्होंने कुछ दिन गुजारे थे। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज बचपन में लखनऊ में और पवित्र गुरुद्वारों का में रह करके उनका आशीर्वाद उस समय भी प्राप्त हुआ था। बहनों और भाइयों, ये हम सब के लिए एक नई प्रेरणा है, एक नई ऊर्जा का केंद्र है। आज के इस अवसर पर मैं आप सबको इस बात के लिए फिर से बधाई देता हूं कि जब तक गुरु परंपरा का अनुसरण हम करेंगे और जब तक गुरु महाराज के आदेशों का पालन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, हमें सफलता की नई ऊंचाइयां प्राप्त होंगी। और जब भी उनकी अवहेलना करके हम उन्हें अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए अवहेलना करने का कार्य करेंगे, तो पतन से समाज को कोई नहीं बचा पाएगा। और इसीलिए मैं आज के इस अवसर पर आप सबका आह्वान करूंगा, हमें गुरु परंपरा का अक्षरशः पालन करते हुए जो खालसा पंथ की स्थापना के पीछे का हेतु था, उसके अनुसार अगर हम कार्य करेंगे तो न केवल सिख पंथ बल्कि भारत और धर्म उत्थान के एक नए आयाम को छूता हुआ दिखाई देगा। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं बैसाखी और खालसा पंथ की स्थापना दिवस की आप सबको हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं और गुरुद्वारे में उन्होंने मत्था टेका है। बैसाखी की उन्होंने
शुभकामनाएं दी हैं पूरे प्रदेशवासियों को और सिख समुदाय के लोगों को। बैसाखी